यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड लागू करने की मांग वाली मेरी पीआईएल पे आज कोर्ट में सुनवाई हुई है। मैंने मांग किया है कि पूरे देश के सभी बैंकों के लिए एक यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड लागू किया जाए, चाहे वो स्टेट बैंक हो या पीएनबी हो, भारत की बैंक हो या विदेशी बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो या सरकारी बैंक हो, सबके लिए एक यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड लागू करना जरूरी है। आज की डेट में जो विदेशी बैंकें हैं, जैसे HSBC हो गया, वेस्टर्न यूनियन हुआ, अमेरिकन एक्सप्रेस हुआ, ये नियम कानून का वायलेशन कर रही हैं। जो बाहर से पैसा आ रहा है कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, भारत को बर्बाद करने के लिए, खालिस्तानियों की मदद करने के लिए, माओवादियों की मदद करने के लिए, अलगाववादियों की फंडिंग करने के लिए, जिहादियों की फंडिंग करने के लिए, मिशनरियों की फंडिंग करने के लिए, वो बैंक के जरिए आ रहा है, फिर भी उसको RBI नहीं पकड़ पा रही है। क्यों? क्योंकि जब ट्रांजेक्शन हो रहा है तो उसमें RTGS यूज किया जाता है या NEFT यूज किया जाता है। पैसा आ रहा है विदेश से पैसा आ रहा है, लेकिन उसमें लिखा रहता है RTGS या NEFT। अब RTGS और NEFT ये डोमेस्टिक टूल है, ये भारत के अंदर के ट्रांजेक्शन के लिए यूज करना चाहिए। RBI केवल कोड को देखता है। अब जैसे उसने कोड देखा, इसमें तो RTGS लिखा है, NEFT लिखा है, तो RBI ये मान के चलता है, RBI का सॉफ्टवेयर, कि ये तो भारत के अंदर का पैसा घूम रहा है। लेकिन होता एक्चुअली ये है कि ये पैसा आता है कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से या खाड़ी देशों से, और वो उसकी आता है केवल और केवल भारत विरोधियों को फंडिंग करने के लिए। जितने देश विरोधी NGO हैं, जितने देश विरोधी सामाजिक संगठन हैं, जितने टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं या माओवादी हैं, नक्सली हैं, जिहादी हैं, मिशनरी हैं, कट्टरपंथी हैं, चरमपंथी हैं, धर्मांतरण कराने वाले जिहादी हैं, मिशनरी हैं, इनकी बहुत बड़ी फंडिंग, लगभग 50,000 करोड़ के आसपास हर साल ये फंडिंग आती है विदेश से, और वो आती है बाकायदा बैंक के जरिए, फिर भी पकड़ में नहीं आ रही है। आपने पहले देखा होगा कानपुर में पत्थरबाजी के लिए 50 करोड़ के आसपास आया था। इसी तरीके से देश के अलग अलग जगहों पर पत्थरबाजी करने के लिए, आगजनी करने के लिए विदेशी फंडिंग होती है। किसान आंदोलन जो इतना लंबा चला था, उसमें भी विदेशी फंडिंग की बात हुई थी। विदेशी फंडिंग को रोकने का एक ही तरीका है कि भारत में यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड लागू हो। RTGS और NEFT ये केवल डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन के लिए यूज हो, और जो बाहर का पैसा है उस पर केवल IMT यानी इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर लिखा जाए। हमने कोर्ट से ये भी मांग किया है कि जो बाहर से पैसा आए उसमें भेजने वाले का नाम होना चाहिए, पता होना चाहिए, कंट्री का कोड होना चाहिए, उसका मोबाइल नंबर होना चाहिए, जिस देश से वो पैसा भेज रहा है वहाँ की करेंसी क्या है। जैसे अगर अमेरिका का आ रहा है तो US डॉलर लिखा होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर लिखा होना चाहिए, थाईलैंड से आ रहा है या कुवैत से आ रहा है तो उसका दिनार, जो भी है जहाँ की मुद्रा चल रही है, वो स्पेसिफिकली लिखा होना चाहिए। आज की डेट में आप दिल्ली में बैठे बैठे आप पालिका बाजार चले जाओ, 1 करोड़ रुपए दे दो, 20 लाख रुपए कमीशन लेंगे और 80 लाख रुपए आपका यहीं दिल्ली में बैठे बैठे वो कनाडा पहुंचा देंगे, ऑस्ट्रेलिया पहुंचा देंगे। इसी तरीके से बाहर का पैसा आना चाहिए, जब भारत में आए तो उसमें बाकायदा नाम पता होना चाहिए, किसने भेजा, कितना रुपया भेजा, उसकी करेंसी क्या है। लेकिन वो कुछ नहीं लिख के आता, सिंपली RTGS आता है, NEFT लिख के आता है और सीधे रुपये आता है। मैंने कोर्ट को दिखाया, उसका एग्जाम्पल भी दिखाया कि पैसा आ रहा है ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन उस पर ऑस्ट्रेलियन डॉलर लिखा ही नहीं है, IMT यानी इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर उसके ट्रांजेक्शन पे लिखा ही नहीं है, वो पैसा सीधे सीधे यहाँ खाते में आ रहा है और NEFT के जरिए आ रहा है। एक दूसरा मैंने और भी एग्जांपल दिया, पैसा आ रहा है कनाडा से और उस पर लिखा है RTGS। जब RTGS और NEFT लिखा है तो न केंद्र सरकार को पता चल पा रहा है, न वित्त मंत्रालय को पता चल पा रहा है कि ये पैसा कौन भेज रहा है, कहां से आ रहा है, ना तो गृह मंत्रालय को पता चल पा रहा है कि पैसा कौन भेज रहा है, कहां से आ रहा है, RBI को भी नहीं पता चल रहा है, क्योंकि RBI सारा काम ऑटोमेटिक होता है, सॉफ्टवेयर इसको देखता है और सॉफ्टवेयर यह देखता है कि IMT लिखा हुआ है यानी इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर लिखा है, या RTGS लिखा है या NEFT लिखा है। IMT का यूज नहीं हो रहा है, NEFT RTGS का यूज हो रहा है, तो वित्त मंत्रालय को भी लगता है कि डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन हो रहा है, RBI को भी लगता है डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन हो रहा है, लेकिन यह पैसा आ रहा है विदेशों से। अगर भारत में यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड लागू नहीं हुआ तो अलगाववाद कट्टरवाद को रोकना नामुमकिन है। अगर भारत में माओवाद नक्सलवाद को खत्म करना है तो तत्काल सरकार को यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड लागू करना चाहिए। जो बैंक इसका
वायलेशन कर रही हैं, जो भी बैंक, विदेशी बैंक, चाहे वो HSBC हो या वेस्टर्न यूनियन हो या अमेरिकन एक्सप्रेस हो, जो भी बैंक विदेशी पैसे को RTGS NEFT के जरिए ला रही हैं, उनका लाइसेंस रद्द करना चाहिए और ऐसे बैंक अधिकारियों को जो ये मिलीभगत कर रहे हैं उनको जेल में डालना चाहिए। 50,000 करोड़ आ रहा है विदेशों से और बैंक के जरिए आ रहा है केवल और केवल भारत को बर्बाद करने के लिए। इसलिए अभी अगली सुनवाई 9 अप्रैल को होगी। मैं सरकार से निवेदन करता हूं, गृह मंत्रालय से और वित्त मंत्रालय से निवेदन करता हूं कि सरकार के पास पूरा डाटा है। आज कोर्ट ने बताया कि आप मुझे स्पेसिफिक डेटा बताइए कि कहां कहां विदेशी फंडिंग हुई है, तो मैंने कोर्ट से यही कहा, जितने एग्जाम्पल मीडिया में छपे थे वो तो मैंने दे दिए, लेकिन कोर्ट से मैंने ये कहा कि सरकार ने ही लगभग 1,00,000 NGO का लाइसेंस रद्द किया है और जो NGO का लाइसेंस रद्द किया है उसमें फंडिंग के वायलेशन पे भी रद्द किया है। तो गृह मंत्रालय को ज्यादा पता है कि कौन कौन से NGO हैं जिनको विदेशी फंडिंग हुई है और उन्होंने फंडिंग का वायलेशन किया है। वित्त मंत्रालय को ज्यादा पता है, ED को ज्यादा पता है, CBI को ज्यादा पता है, पुलिस को ज्यादा पता है, हमें तो केवल इतना ही पता है जितनी बातें अखबारों में निकली हुई है। कोर्ट ने आज बहस सुनने के बाद उन्होंने 9 अप्रैल की डेट फिक्स किया है, 9 अप्रैल को उसको फाइनल हियरिंग है। मैं आशा करता हूं इस बीच में केंद्र सरकार एक यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड का ड्राफ्ट लाएगी, जो भारत की बैंक है, जो भारत के अंदर काम करती है, जो भारत के अंदर ट्रांजेक्शन होता है उसके लिए RTGS NEFT मैंडेटरी करेंगी, जो विदेशी बैंक है या विदेशी लेन देन कराती है, जो फॉरेन ट्रांजेक्शन करती है, उसके लिए एक बाकायदा एक यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड बनेगा कि आप जब भी कोई पैसा लेंगे विदेश से या विदेश से जब भी कोई पैसा भेजेगा तो उसका नाम उस पर स्पष्ट लिखा होना चाहिए, जो स्टेटमेंट आता है उस पर भेजने वाले का नाम होना चाहिए, भेजने वाले का पता होना चाहिए, भेजने वाले का मोबाइल नंबर होना चाहिए, भेजने वाले के कंट्री कोड देश का नाम होना चाहिए, भेजने वाले की करेंसी क्लियर कट होनी चाहिए कि वो रियाल है, दिनार है, अमेरिकन डॉलर है या ऑस्ट्रेलियन डॉलर, जो भी है क्लियर कट, या यूरो है, जो भी है क्लियर कट लिखा होना चाहिए। प्लस इसको चेंज करने का चार्ज क्या है, करेंसी को जब चेंज करते हैं तो कुछ चार्ज होता है, वो भी फिक्स अमाउंट लिखा होना चाहिए, तब जाके विदेशी फंडिंग रुकेगी और जब विदेशी फंडिंग रुकेगी तभी भारत में अलगाववाद, कट्टरवाद, ये जिहाद, मजहबी उन्माद रुकेगा, तभी माओवाद, नक्सलवाद रुकेगा। जब तक विदेशी फंडिंग नहीं रुकेगी तब तक ये जो देश विरोधी गतिविधियां हैं इन पे रोक लगा पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।